आज हम बात करेंगे टेंथ क्लास में जो हमारा पेपर डिजाइन होता है, यानी कि टेंथ क्लास में जो साइंस का पेपर आएगा ना आपके बाद फाइनल एग्जाम में, वो किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन को बांटा गया, किस में हमारे एचबीएससी बोर्ड के अंदर। यानी कि मैं सिर्फ आज आपको कौन सा एचबीएससी बोर्ड के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, सीबीएसई बोर्ड के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एचबीएससी बोर्ड के अंदर जो हमारा सबको पता है साइंस जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो टोटल होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है टोटल। उसको बोर्ड ने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तीन पार्ट्स में, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 60, इस तरीके से बोर्ड ने हमारे इसको साइंस सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है। फाइनल जो हमारा एग्जाम आता है ना, थ्योरेटिकल जो एग्जाम होता है वो हमारा 60 नंबर का होता है, 20 नंबर हमारे क्या होते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए होते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल होगी ना हमारी वो कितने नंबर की होगी, 20 नंबर की प्रैक्टिकल होगी। जो इस 20 नंबर की प्रैक्टिकल है ना, इसको भी क्या कर रखा होता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। जो ये 20 नंबर बच गए ये होते हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट के, यानी कि जो स्कूल वाले जो मार्क्स लगा के चलते हैं वो, यानी कि जो टोटल हमारे क्या हो गए 40 नंबर हो गए, जो किसके हाथ में है, आपके स्कूल टीचर्स के हाथ में होते हैं, जो आपके स्कूल टीचर आपको पढ़ाते हैं उनके हाथ। अब बच गए कितने 60 मार्क्स, जो हमारे कहां पे होता है, जो हमारा फाइनल एग्जाम में होता है। अब इस 60 नंबर का जो मार्क पेपर है ना हमारा, उसको भी क्या कर रखा है, चार पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 60 नंबर को भी क्या कर दिया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया हमारे, 20 18 20 और 2, इस तरीके से क्या कर दिया गया है हमारा जो 60 नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट होगा ना, जो फाइनल एग्जाम होगा, उसको डिवाइड कर दिया हमारा किस में, चार पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा, केमिस्ट्री का, जो हमारा कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के। इसके अंदर हमारे टोटल कितने चैप्टर होते हैं, चार चैप्टर होते हैं, चार चैप्टर हमारे कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। फिर होती है हमारी 18 नंबर की बायो, इसमें भी हमारे क्या है टोटल चार चैप्टर, ये चार चैप्टर में हमारे कितने नंबर के आएंगे, टोटल 18 नंबर के। 20 नंबर की होती है हमारी फिजिक्स, इसमें भी टोटल सब चैप्टर हमारे कितने होते हैं, चार, लेकिन इन चार चैप्टर्स को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में, 10 और 10 मार्क्स में। फर्स्ट दो लाइट एंड वुमेन आईज वाला चैप्टर है वो 10 नंबर में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक वाला जो चैप्टर है वो 10 नंबर में, और 2 नंबर में बच गया हमारा लास्ट जो चैप्टर है, एक सिंपल सा जो हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर दे रखा है वो 2 नंबर का आएगा। अब बात आती है कि हम किस तरीके से, सिर्फ हमको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए 60 में से, 20 40 स्कूल वालों के हाथ से, यानी कि 40 प्लस 20, हम आसानी से ये 60 नंबर निकाल सकते हैं, और सिर्फ हमने क्या करना है, 20 नंबर की तैयारी करनी। हम 20 नंबर का पढ़ के किस तरीके से हम 60 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक पोर्शन, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ लो, चाहे आप बायो पढ़ लो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ लो, आप क्या कर सकते हैं, 60 नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद पेपर को भी क्या कर रखा है इन्होंने, जो 60 नंबर का एग्जाम है हमारा उसको कैसे डिजाइन कर रखा है, और भी आसान हो जाता है कि ये 60 नंबर्स निकाल लें। अगर हम पेपर स्टाइल के हिसाब से पढ़ें, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो आएगा हमारा 15 नंबर का, यानी कि जो छोटे क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं 1-1 मार्क्स वाले, वो हमारे कितने आएंगे, 15 आएंगे, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। और इनको भी हमने क्या कर दिया, इसने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये नहीं है कि 15 नंबर के छोटे की 15 नंबर के ही मल्टीपल च्वाइस आएंगे, सिर्फ 15 में से जो 6 नंबर के ना, यानी कि 6 क्वेश्चन हमारे कौन से आएंगे, मल्टीपल च्वाइस वाले क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे क्या आएंगे, 3 नंबर के हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जिसको आप बोलते हो खालिस्तान भरो, वो कितने आएंगे, 3 नंबर के आएंगे। 3 नंबर के हमारे वेरी शॉर्ट, या जिसको आप बोल सकते हो 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर, एक वर्ड में जिसके आंसर आते हैं, और 3 नंबर के आएंगे हमारे रीजनिंग बेस्ड टाइप क्वेश्चन। इस टाइप से हमने क्या कर रखा है, जो 15 नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं उनको डिवाइड कर रखा है।
उसके बाद हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर वाले, ये कौन से थे? 1 मार्क्स। अब हम बात करते हैं 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे हमारे 6, यानी कि टोटल ये कितने नंबर के हो गए? 12 मार्क्स के हो गए थे। इन 6 क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर रखा है, किसी भी एनी 2 क्वेश्चन के अंदर, किसी भी 2 क्वेश्चन के अंदर है ना, इंटरनल च्वाइस देगा। वो एग्जाम सेट करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कौन से 2 क्वेश्चन पे आपको च्वाइस देगा। उसके बाद आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें भी ये भी आपके कितने आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे, और 6 क्वेश्चनों में इसमें भी ये रहेगा, आपको इंटरनल च्वाइस मिलेगी, और वो भी कितने क्वेश्चन पे? 2 क्वेश्चन पे, यानी कि किसी भी 2 क्वेश्चन पे आपको क्या मिलेगी? इंटरनल च्वाइस मिलेगी। उसके बाद आता है हमारा 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, और तीनों ही क्वेश्चनों में आपको इंटरनल च्वाइस मिलेगी, यानी कि 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना, यानी कि सभी में इनके अंदर क्या है, ऑल सभी में इनके अंदर क्या है, इंटरनल च्वाइस मिलेगी। अगर आप साइंस में पास होना चाहते हो, 1 मार्क्स क्वेश्चन आप आराम से निकाल लो 15 नंबर के, उसके बाद आपको कितने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर चाहिए, और 5 नंबर आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक चैप्टर फिजिक्स से उठा लो, फिजिक्स में आपको पता है 2 चैप्टर कितने के आते हैं? 10 मार्क्स के, यानी कि आप या तो 1 चैप्टर पढ़ दो या 2 चैप्टर पढ़ दो, और आसानी से आप क्या कर सकते हो, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 60 नंबर चाहिए, 60 नंबर चाहिए कम से कम पढ़ के, तो आप क्या करो, 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल, 20 नंबर आपके असेसमेंट, और 15 नंबर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो एक एक नंबर वाले, और बच गए कितने? 5 नंबर, यानी कि सिर्फ आप 1 चैप्टर पढ़ के भी आसानी से साइंस में कितने नंबर निकाल सकते हो? 60 मार्क्स को कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ये सिर्फ 20 का टारगेट लेके चलना है, तो आपको कौन कौन सा चैप्टर किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उस तरीके से आप पढ़ के आप क्या कर सकते हो, आराम से ये चीज को निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से बात करेंगे। दैट्स ऑल।